विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते राज्यसभा का मानसून सत्र कल तक के लिए स्थगित। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने डाला वोट। मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी बस नर्मदा नदी में गिरी, अब तक 13 शव बरामद। वोटिंग के बीच यशवंत सिन्हा बोले, राष्ट्रपति चुनाव में पैसे का खेल, प्रजातंत्र बचाने के लिए मुझे करे वोट। रोहित शर्मा ने कप्तान बनने के बाद नहीं गवाई कोई सीरीज, इंग्लैंड में हासिल की खास उपलब्धि। टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। आईसीएसई बोर्ड 10वीं बोर्ड के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। कोरोना काल के बाद हुई परीक्षा में इस बार भी शहर के मेधावियों ने देश भर में दबदबा बनाया। पिछले साल की तरह इस बार भी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने सभी स्कूलों को पीछे छोड़ा और सीएमएस के छात्र और छात्राओं ने देश भर में लखनऊ का नाम रोशन किया है। सीएमएस कानपुर रोड शाखा की कनिष्का मित्तल ने तो कमाल ही कर दिया। जारी हुए नतीजों के अनुसार कनिष्का 99.80% अंकों के साथ नेशनल टॉपर बनी है और 99.80% अंकों के साथ कनिष्का पहले स्थान पर है। परीक्षा परिणामों की घोषणा के बाद शहर की सभी ब्रांचों के बच्चे सीएमएस गोमती नगर ब्रांच पहुंचे, जहां बच्चों को सम्मानित किया गया। परीक्षा के नतीजे आने के बाद बच्चों के चेहरे पर आज अलग ही खुशी नजर आ रही थी। ये मेहनत का फल है, बच्चों ने, टीचर्स ने और प्रिंसिपल्स ने बेतहाशा मेहनत की है पूरे साल और इसका परिणाम आज सामने आया है। और इसकी कभी कल्पना नहीं की थी कि इंडिया का टॉपर भी हमारा ही हो, सेकंड पोजीशन पर भी चार बच्चे वो भी हमारे ही हों और थर्ड पोजीशन पर तीन बच्चे वो भी हमारे ही हों, तो एक ही विद्यालय के फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, ऐसा कभी होता नहीं है, न कभी हुआ है। मेरा नाम सक्षम शर्मा, गोमती नगर एक्सटेंशन। कितना परसेंटेज आप लाए? 96%। कितनी मेहनत करी इस परसेंटेज को लाने के लिए? कितनी मेहनत तो सबको ही करनी पड़ी और हम लोग को ज़्यादा थोड़ी करनी पड़ी 90 अबव लाने के लिए, लेकिन बस ज़्यादा पढ़ना और मतलब सिर्फ रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना और फिर उनको सही से अपना कॉन्सेप्चुलाइज करके फिर हम लोग एग्ज़ाम में जाते हैं, तो फिर ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ पाते हैं। सीएमएस राजा मेटा कैंपस वाले, क्या परसेंट आया सर? 97.9। क्या कैसे पढ़ाई करनी, क्या आप सर? मैंने तो की और सर शेयर मैं अपनी मौसी को दूंगी क्योंकि वो ही पूरा देखती थी और हार्ड वर्क करना पड़ता है सर। एमसीक्यूज में और सब्जेक्टिव में डिफरेंस था, तो सेमेस्टर और सेमेस्टर टू का जो पैटर्न था वो भी अलग था और सेमेस्टर टू में राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ी, तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ा। उष्का मित्तल 99.80। भगवान को, अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, दोस्तों को, सब प्लानिंग से पढ़ना चाहिए और एक कंसिस्टेंट एटीट्यूड बना के रखना चाहिए, अपने गोल को हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। अपने टीचर्स से गाइडेंस लीजिए, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो आपको गाइड करेंगे आपको टाइम टेबल कैसे बनाने हैं, आपको कितने घंटे देने हैं, किस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, वो आपके लिए सबसे बड़ा गाइडिंग लाइन। कितने फीसदी नंबर आए? कितने नंबर के? कितने परसेंट आपके? 90। 99। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं
और इसे जो नंबर है वो आपका बहुत बढ़िया, इसका श्रेय आप किसे देंगे? माई टीचर्स, पेरेंट्स एंड मी, बिकॉज दे हैव ऑल वर्क रियली हार्ड फॉर अस. टीचर्स हैव सपोर्टेड एंड पेरेंट्स हैव मोटिवेटेड फॉर अस, एंड आई ऑल्सो इंस्पायर्ड माई सेल्फ टू पुश ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस. आपकी मम्मी है साथ में? अच्छा, हमें ये बताएं कि आपका बच्चा 90% लाया है, तो इसके इस कीर्तिमान पे आप क्या कहेंगी? आप माँ हैं, आप इसे टिफिन तैयार करके देती हैं, स्कूल के लिए तैयार करती हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं और क्या कहेंगी आप? मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अपने बच्चे को कभी कुछ ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा, वो अपना दिन रात कड़ी मेहनत का परिणाम है उसका, जो भी आज लाया है इसमें इसके टीचर्स और इसकी मेहनत है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ. और ये ही डिजर्व इट, मतलब ये इस लायक है कि ये कर सकता है और आगे ये इससे भी और अच्छा करने की कोशिश करेगा. थैंक यू. तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ तमाम विद्यार्थी अपने अंक पत्र को देखने आए हैं. साथ ही साथ अगर बात की जाए तो पूरे दिल्ली ICSE बोर्ड में अगर बात की जाए तो देश में 4 बच्चे जो 500 में से 499 अंक पाए हैं, वहीं अगर बात की जाए तो लखनऊ के CMS से सरिया खान दूसरे नंबर पे हैं, जो कि 99.60% नंबर पाकर, और अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे ज़्यादा नंबर पाए हैं. इसी क्रम में हमारे साथ शिक्षक हैं, तो इनसे भी बात करेंगे. आप हमें ये बताएं, आप यहाँ रिजल्ट आया बच्चों का और CMS का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, आप क्या कहेंगे? ये तो स्कूल का भी है, टीचर्स की मेहनत है और बच्चों की अपनी मेहनत है जिसकी वजह से इतना रिजल्ट आया है. जी, तो साफ तौर पे आपने देखा कि छात्र से हमने बात किया, साथ ही साथ उनके अभिभावक से बात किया, और वहाँ मौजूद तमाम जो अभिभावक हैं साथ ही साथ उनके टीचर हैं उनसे भी बात किया. इनका साफ तौर पे कहना है कि बच्चे अपने लगन लगाकर पढ़े और रिजल्ट में कहीं ना कहीं शिक्षक और अभिभावकों का एक बड़ा योगदान रहा है. कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ. भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना शुरू हो गया है. सावन में प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है. आज सावन का पहला सोमवार है और आज प्रदेश भर के शिवलिंगों में और शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है. इस साल का पूरा सावन महीना ही बहुत ही खास होने वाला है और सावन मास 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा. बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण होने के कारण कांवड़ लेने वाले श्रद्धालु पर मायूसी थी, लेकिन इस बार सभी प्रकार की पाबंदी हटने के बाद श्रद्धालु कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार रवाना हो गए हैं. ऐसे में उत्साह भी अधिक देखने को मिल रहा है. तस्वीरों में आप देख सकते हैं औरैया, लखनऊ, मथुरा, फरुखाबाद, सभी जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं. सावन का आज पहला सोमवार है और सोमवार के दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा होती है. और आज जब सावन का पहला सोमवार है तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जलाभिषेक के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है. देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी. वहीं राष्ट्रपति चुनाव में अखिलेश यादव ने भी अपने वोट का प्रयोग किया. इस दौरान अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए. उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर नफरत फैलाती है. और कन्नौज में जो घटना हुई है वो बीजेपी के लोग शामिल हैं, बीजेपी के विधायक शामिल हैं उसमें, और जो सूचना मिल रही है जिसने धार्मिक स्थानों पर मांस फेंका है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले दिन से नहीं कर रहे हैं, उससे पहले भी एक धर्म के लोगों की दुकानें जला दी. DMSP क्या कर रहे थे? क्या DMSP को टर्मिनेट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? अभी हटा दिया गया है, फिर बहाल करके कहीं अच्छी पोस्टिंग दे देंगे. दी है कि बीजेपी के लोगों ने ट्रेन किए हैं कुछ ऐसे लोग, ट्रेन कर करके जिससे कि धर्म और जाति के आधार पर लोगों को लड़ाया जा सके. अगर किसी ने ट्रेनिंग दी होगी तो भारतीय जनता पार्टी ने. आखिरकार इतना बड़ा इनके पास अधिकारियों का और इंटेलिजेंस का, इतने बड़े लोग हैं, आखिरकार क्या कर रहे थे वो? लखनऊ में आत्मनिर्भर योजना के तहत एक निजी होटल में सिटी मॉल ग्रुप की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें व्यापार बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई. साथ ही हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं इसको लेकर सेशन भी किए गए. वहीं एक ऐप के माध्यम से अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा मौजूद रहे.
मैं तो वैसे दिन भर बिजी रहता हूँ, लेकिन मॉर्निंग में और इवनिंग में इस वर्क को करता हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे कस्टमर जोड़ने शुरू किए और मेरी अर्निंग बढ़ती गई। बाद में सिटी मॉल ने हम लोगों को कस्टमर खुद से देना शुरू कर दिया और आज की डेट में सिटी मॉल ने कम से कम 600 कस्टमर मेरे साथ ऐड किया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी अर्निंग इस वक्त 10,000 से 15,000 के बीच में हर महीने पार्ट टाइम हो रही है। मैं सिर्फ इस कंपनी में 2 से 3 घंटे काम करता हूँ। जब मैं ऑफिस से इवनिंग में आता हूँ, इवनिंग में वर्क करता हूँ, मेरा सामान सुबह आ जाता है, इवनिंग में मैं डिलीवर करके फ्री हो जाता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 10-15 हज़ार एडिशनल जो इनकम आ रही है मेरी सेविंग के रूप में जमा हो रही है। सिटी मॉल का एक लक्ष्य है कि मोहल्ले में बैठा हुआ है व्यक्ति जो मेहनती है, जिसके पास पूंजी नहीं, उसको लगातार उपलब्ध करा के उसको मजबूती प्रदान करें। हरदोई थाना बघौली क्षेत्र के कस्बे में क्राइम ब्रांच एसओजी टीम और आबकारी विभाग के साथ बघौली पुलिस ने 2 मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। पुलिस ने मेडिकल स्टोरों से भारी तादाद में टिंचर बरामद किए हैं। वहीं पर जब मेडिकल संचालकों ने बिना ड्रग इंस्पेक्टर के कार्रवाई करने का विरोध किया तो बाद में ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाया गया। इससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने एक मेडिकल स्टोर का ताला तोड़ दिया था, वहीं दूसरे मेडिकल स्टोर पर कैमरे का DVR निकाल कर अपने ले गए। फिलहाल ड्रग इंस्पेक्टर ने टिंचर दवा के नमूने को सील कर परीक्षण के लिए भेज दिया है। जांच रिपोर्ट आने तक बिक्री को रोकते हुए दोनों मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया है। द्वारा चलाए जा रहे मादक पदार्थों के अवैध निष्कर्षण और बिक्री के लेकर चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत कस्बा बघौली में जो मेडिकल स्टोर है उनको संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें आबकारी निरीक्षक और औषधि निरीक्षक और थानाध्यक्ष भी मौजूद थे। इस संयुक्त टीम द्वारा जब चेकिंग की गई तो वहाँ पर भारी मात्रा में उनके मेडिकल स्टोर से टिंचर की बोतलें बरामद हुई हैं। इनके पास ना तो टिंचर का सही रखरखाव है, ना ही उनके बिक्री और परचेज से संबंधित कोई दस्तावेज उनके द्वारा दिखाए गए। इसको देखकर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। उनके दोनों अनुराग मेडिकल स्टोर और सोमेंद्र मेडिकल स्टोर मौके पर ही सील कर दी गई। खबर औरैया से है। सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर सड़क पार कर रही महिला को एक बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें टक्कर लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मौके से गुजर रहे यातायात पुलिसकर्मी ने महिला को संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला औरैया रोडवेज डिपो में लिपिक के पद पर तैनात है। सूचना पाकर रोडवेज के कर्मी भी अस्पताल पहुंच गए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला आई है जिसका नाम कृष्णा मिश्रा है। कृष्णा मिश्रा जो उन्नाव की निवासी है, मिश्रा कॉलोनी की, जो गंभीर अवस्था में यहाँ पे आई थी, जिनको यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस है आशीष अचान वो लेके आए थे और उनकी गंभीर अवस्था में यहाँ पे आई थी, जिनको देख के मृत घोषित कर दिया गया है। इनका नाम श्रीमती कृष्णा मिश्रा है। ये हमारे यहाँ सीनियर क्लर्क है और एक्चुअल में इनका आवास कानपुर में है। तो ये कानपुर से अपना अप डाउन कर रही थी, तो आज जैसे ही सुबह अपने नित्य की भांति ड्यूटी के लिए आए तो खानपुर चौराहे पर उतरने पर किसी बाइक या उससे ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिस पर तत्काल जो है ट्रैफिक पुलिस वालों ने इन्हें मदद दी, जो अस्पताल लाया गया। जैसे ही सूचना हमें मिली, हमारे केंद्र प्रभारी और सारे कर्मचारीगण यहाँ पर तत्काल उपस्थित हुए, लेकिन उपचार के दौरान उन्हें बचाया नहीं जा सका। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।